Hello guys, good morning. Now we all are going to discuss the chapter 2, that is Principle of Management, and here is part 1. Before continuing this video, I request you all that please subscribe this channel and share this video for others also. So first of all, meaning management ke principles hote kya hain? Jo principle of management hote hain, wo ek truth pe based hote hain, facts ke upar based hote hain, logically hote hain. और ये मैनेजर को जनरल गाइडलाइंस देते हैं ताकि एक मैनेजर जो है डिसीजन ले सके और बिल्कुल करेक्टिव डिसीजन ले सके. अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दो ग्रेट बिजनेसमैन ने हमें दिए हैं, फायोल ने, हेनरी फायोल ने एंड एफ डब्ल्यू टायलर ने. इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो 14 प्रिंसिपल जो कि हमें हेनरी फायोल ने दिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी पूरा काम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको भी सब डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल स्मॉल टास्क में. डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, हर एक पर्सन को वही काम बार 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 मिलेगा. एक सिंपल सी बात है, जब आपको एक क्वेश्चन टीचर डेली दे तो क्या होगा, आपकी उस क्वेश्चन में स्पीड मेंटेन होगी. तो यहाँ पे भी सेम केस है और तुम वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, यानी कि एक्यूरेट होगा वो क्वेश्चन. दैट्स इट. इसमें भी यही है कि अगर एक वर्कर को वही जॉब, वही वर्क बार बार दिया जाए तो उससे उसकी स्पीड भी मेंटेन होगी और उसकी एक्यूरेसी भी. तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा जॉब का. स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, एक ही काम को बार बार देना जिससे स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन हो. देन जो हमारा सेकेंड वन प्रिंसिपल है, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स. अथॉरिटी का मतलब कि हमें राइट है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को. देखो, सुपीरियर का मतलब होता है जो हेड होता है एंड सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो उसके अंडर वर्क कर रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बींग अकाउंटेबल. अगर हमें कोई वर्क हमारी टीचर ने भी असाइन किया है या मैनेजर अपने इम्प्लॉय को कोई भी वर्क असाइन करता है तो उसको उसके लिए अकाउंटेबल होना होता है. अब बात करते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन क्या है. ग्रांटिंग अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. मीन्स अगर हम किसी को पावर दे दें और वो अकाउंटेबल नहीं है, हम जनरली देखते हैं जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं अगर उनके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती देन. और अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और उसको हम अथॉरिटी ना दें तो उससे क्या होगा, एक पर्सन जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट जो था वो डबल कर दिया, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि हाँ अब उसके जो भी सेल्स हैं वो बढ़नी चाहिए. मीन्स जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है वो डबल होनी चाहिए. सो यहाँ पे क्या हुआ, उसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए. किस चीज की अथॉरिटी, की वो ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा सके और इम्प्लॉयज और वर्कर्स को हायर कर जा सके. अगर उसे अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट हमारा थर्ड वन है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है सिंसैरिटी, ओबिडेंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो आउट करना, जो भी तुम्हारी अथॉरिटी है उसका रिस्पेक्ट करना, उसका मिसयूज ना करना. सो डिसिप्लिन जो है वो हर एक लेवल में होना चाहिए. और अगर एक मैनेजर खुद अच्छे से जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करेगा तो वो खुद ही एक तरह से एग्जाम्पल है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए. देन फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड मान लो यहाँ पे एक सुपीरियर है और एक ही सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमारा यूनिटी ऑफ कमांड प्रेजेंट है. अब यहाँ पे देखो, एक दो सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट एक ही है, तो यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है. यूनिटी ऑफ कमांड हमें ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है एक सुपीरियर के अंडर ही वर्क करे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसने पीएन को कोई काम दिया, सेम टाइम पे सेल मैनेजर ने भी पीएन को कोई काम दिया, तो इस केस में क्या हुआ, पीएन जो थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि उसको पहले किसका काम करना चाहिए था, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं. तो फायोल हमें यही कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाए, यानी कि एक सुपीरियर का एक ही सबऑर्डिनेट हो, एक सबऑर्डिनेट के एक से ज्यादा बॉस ना हो. देन हमारे पास जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हेड वन प्लान, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान होना चाहिए
और एक पर्सन होना चाहिए जो कि उसे डायरेक्शन दे रहा हो, एक बॉस जो कि डायरेक्शन दे रहा हो, और एक ही प्लान होना चाहिए. देन है सिक्स, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है कि ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रैदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि एक इम्प्लॉई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन कर रहा है? ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके, और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ इतना ध्यान नहीं देता. तो हेनरी फायोल यही कहते हैं कि एक इम्प्लॉई को फोकस करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पर वो फोकस करेगा, यानी कि आउटपुट के बढ़ने से हमारे प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट के बढ़ने से इम्प्लॉई की रेमुनरेशन को बढ़ा ही दिया जाएगा. देन सेवेंथ है हमारे पास रेमुनरेशन ऑफ इम्प्लॉई. रेमुनरेशन ऑफ इम्प्लॉय का मतलब क्या है? फायोल इस ओपिनियन में है कि जो इम्प्लॉई है उसे फेयर रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए, और अगर तुम इम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहते हो तो टाइम टू टाइम उन्हें मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देने चाहिए. देखो, मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको शेयर होल्डर्स में बांटने की बजाय इम्प्लॉई को कुछ एक्स्ट्रा दे दिया. सो वो होता है मॉनेटरी इंसेंटिव. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब क्या है कि एक इम्प्लॉई जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो उसका प्रमोशन कर दो, दैट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. देन हमारा जो एट प्रिंसिपल है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, मतलब जो पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में है. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल के पास भी पावर है, लोअर के पास भी, मिडल के पास भी, मतलब हर लेवल पे जो अथॉरिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. अब सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है. मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है, आगे उसने अपने अंडर मान लो 3 या 4 वर्कर लगाए हुए हैं, सो वहां पे सेंट्रलाइजेशन वर्क करेगा, क्योंकि कोई इतनी बड़ी भी उसकी शॉप नहीं होगी कि उसको हर एक को अथॉरिटी देनी पड़ेगी. और या फिर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो पॉलिसी डिसाइड करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, तो इन की एरियाज पे फोकस करना चाहिए टॉप लेवल को. बट अगर इम्प्लॉई को कोई नॉर्मल छुट्टी देनी है, कोई लीव देनी है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे प्रेफर किया जाएगा, यानी कि जो लोअर लेवल है वो इस डिसीजन को ले सकती है. देन हमारे पास स्केलर चैन है. स्केलर चैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्केलर चैन का मतलब क्या होता है? लाइक ए बी से कॉन्टेक्ट करेगा, बी सी से, सी डी से, डी ई से, ई एफ से, मतलब इस तरह से ये हमारा कम्युनिकेशन लेवल चलेगा. इससे क्या होगा? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, यानी कि अगर एक सुपीरियर ने अपने सबोर्डिनेट को बात पहुंचानी है तो वो इस तरह से पहुंचाएगा, और अगर एक सबोर्डिनेट ने अपने सुपीरियर को कोई कंप्लेन देनी है, कोई फीडबैक देना है, तो इस तरह से इस स्केलर चैन को फॉलो किया जाएगा. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है कि एफ सीधा पी से कॉन्टेक्ट कर सकता है, ई ओ से, डी एन से, सी एम से, बी एल से. सो गैंग प्लैंक कब यूज किया जाता है? जब बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी आ गई, उस इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी स्प्रेड करना है, तो उस केस में हम गैंग प्लैंक का यूज करते हैं. टेंथ प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक चीज और हर एक पर्सन एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए. यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर की हमसे बात की गई है. फर्स्ट इज सोशल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है? कि एक अपॉइंटेड प्लेस हो एक इम्प्लॉय के लिए, लाइक इम्प्लॉय को कैबिन दे देना. और मटेरियल ऑर्डर का मतलब क्या है? कि फिक्स्ड प्लेस हो टूल्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए. देखो, अगर हम ऑर्डर के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं वो एलिमिनेट होंगी, और जो हमारा टाइम है वो भी बचेगा. 11th प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है कि हर एक इम्प्लॉई को इक्वल माना जाना चाहिए, उसे इक्वल रेमुनरेशन दी जानी चाहिए, इक्वली उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, जेंडर, कास्ट या फिर सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि दो वर्कर्स काम करते हैं, पहला वर्कर 130 मोबाइल सेल करता है डे में, और सेकेंड वर्कर जो है वो 200 मोबाइल सेल करता है डे में. सो जो फर्स्ट वाला वर्कर है वो मैनेजर के कुछ रिलेशन में है, दोनों को मैनेजर इक्वल रेमुनरेशन देता है, जबकि फर्स्ट वर्कर तो इतनी ज्यादा सेल भी नहीं कर रहा मोबाइल फोन, स्टिल उसे इक्वल रेमुनरेशन मिल रही है. क्यों? क्योंकि वो मैनेजर का रिलेटिव है. तो यहाँ पे जो इक्विटी का प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है. देन है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि जो पर्सनल है, पर्सनल का मतलब क्या है, जो भी इम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टेबल होने चाहिए, मतलब उन्हें बार बार चेंज नहीं करते रहना चाहिए. ना तो बार बार उन्हें चेंज करो, ना ही उन्हें बार बार एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करो. अगर तुम
एक बार जब उन्हें सिलेक्ट कर लेते हो तब उन्हें कुछ टाइम दो कि हाँ वो तुम्हें अपना रिजल्ट शो कर सके। एंड द सेकेंड वन थिंग इज, जब तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसी टाइम उसकी एबिलिटी को जज करो, उसी टाइम ही उसके बैकग्राउंड उसके एक्सपीरियंस को जज करो, जज करने के बेसिस पर ही उसको लो। तो फायोल इसी व्यू में है कि जो पर्सनल है हमारे स्टेबल रहने चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास इनिशिएटिव। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फायोल ये कहते हैं कि एक जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होती है ना वो होती है जो कि एक इम्प्लॉई को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने आइडियाज को सजेस्ट कर सके, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। वाय फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि एक वर्कर ने अपने मैनेजर को कोई सजेशन दिया लेकिन मैनेजर ने क्या किया, उसके सजेशन को इग्नोर कर दिया। सो इस केस में क्या हुआ, एक वर्कर डीमोटिवेट हो गया। तो डीमोटिवेट होने की वजह से वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। सो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट वही होती है जो कि वर्कर के सजेशन को, आइडियाज, एक्सपीरियंस या फिर किसी भी मेथड को जो है सुनती है और उसे इम्प्लीमेंट करती है। नाउ द लास्ट वन प्रिंसिपल एंड 14 प्रिंसिपल इज स्पिरिट द कोप्स। स्पिरिट द कोप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप है उसके अंदर हार्मनी हो रेदर देन डिस्कॉर्ड, मतलब एक शांति हो और बिल्कुल मिलके वो काम कर रहे हो। यूनिटी स्ट्रेंथ सुना है, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो मेंबर्स के बीच में, और मैनेजर जो है वो इन्फ्यूज करे स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इम्प्लॉयज के बीच में ताकि जो है बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो सेल मैनेजर ने अपना एक टारगेट असाइन कर रखा था कि 1000 यूनिट्स उसे मंथ में बनानी है और 100 वर्कर्स हैं तो उसमें उन काम को उसने डिवाइड कर दिया। मान लो 10 वर्कर बीमार पड़ गए किसी भी रीजन की वजह से, सो अब क्या होगा, टारगेट तो ऐसे अचीव ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उस टीम में टीम स्पिरिट है, स्पिरिट द कोप्स का प्रिंसिपल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो उन 10 मेंबर्स के जो वर्क है उसे भी जो है बांट लेंगे, जिस वजह से जो एक मैनेजर है वो अपने टारगेट को एक पर्टिकुलर टाइम में अचीव कर लेगा। तो ये था स्पिरिट द कोप्स। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमें टायलर ने 4 टेक्निक्स दी, 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं एंड 8 टेक्निक्स दिए हुए हैं। इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।